आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज से जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है आपका त्रिकोणमिति का। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो यह मानकर पढ़ाऊंगा ना कि 6 से 7 साल का बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है। वो 1 से 2 क्लास में पढ़ता है, अगर उसको समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है 100 में ना, अगर मैं एक डाटा बताऊं तो 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होता है और डर कर छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमको सीखना नहीं है। क्यों नहीं सीखना है आप ये सोचो, आप देखो तो वीडियो, जब 1 से 2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। और मैं पूरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं ये बिल्कुल भूल जाऊंगा कि आप सभी को पढ़ा रहा हूं। मैं यह मानकर चलूंगा कि मेरे पास 1 से 2 साल का बच्चा बैठा हुआ है, उसको मुझे सिखाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 10 से 11 पार्ट का वीडियो मिलेगा, और ये 11 पार्ट का वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे भैया जो डर था ना उसको आप निकाल कर बहुत दूर फेंक दिए। जो मेरा पीछा जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया है 2 साल 3 साल, इस चैप्टर को मैंने कभी सोचा ही नहीं सीखना है, लेकिन भैया वो 2-3 साल जो सूखा था ना वो सूखा खत्म हो गया, ये आप बोलेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मेहनत के बदले तो मैं कुछ मांगता नहीं हूं आप सभी से, बिना कुछ लिए आप सभी को हर एक चीज जो है वो सिखाता हूं। एक चीज मांग रहा हूं, वीडियो को शेयर कर देना, जो जो पार्ट आएगा हर एक वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो देखो, त्रिकोणमिति पूरा बेसिक सिखाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ये, देखो कुछ होता नहीं है एक्चुअल में ना, पहले आप ये समझो ये क्या है, ये एक चित्र है, ये क्या है, ये एक चित्र है। इसको पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है भैया, त्रिभुज, जो 3 साइड से मिलकर बना हो ना उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, बस इतना समझो बेसिक चीज में, ठीक है ना। अब ये जो चीज होता है, ये जो लंबा वाला लाइन खड़ा है ना, ये जो लंबा वाला लाइन खड़ा है इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरे लंबे लाइन को ए मान लेते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण सब मैं सिखाऊंगा भाई, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार सब सिखाऊंगा आराम से। ये लंबा वाला लाइन को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी मान लिए। अब अगर मैं बोलूं भैया इस लंबे वाली लाइन को ऐसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सभी लंब बोलते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर बोला जाता है इस लंबे वाले लाइन को। अच्छा भैया जो नीचे वाला लाइन है ना, सोया हुआ लाइन है जिसके ऊपर ये दोनों टिका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सभी बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार बोलते हैं, ठीक है ना भैया। ये बात तो समझ में आया, जो टेढ़ा वाला ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ये भी बता दो, इसको बोलते हैं हम सभी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। समझ में आया, आपको समझ में आया, ज्यादा मत सोचिए, सवाल दिमाग में मत लाइए कि सवाल क्या बनेगा, कैसे करेंगे, टेन 30 था, टेन 45, टेन 160, वो सब छोड़ो आप बस सोचो मैं आपको जितना सिखा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं। 10-11 पार्ट बोलेंगे, हर एक चीज क्लियर हो गया। अभी तो क्लास खत्म की ही नहीं है ना, जिस दिन क्लास खत्म होगा उस दिन सवाल करना कि भैया कुछ बाकी रह गया है। ये समझ में आया ना, मेन जो खेला है वो इसी चीज का है। तो इसको हम क्या बोले, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अगर ये दो चीज, अगर तीन में से दो चीज दिया हो ना, तो तीसरा चीज ऑटोमेटिक निकल जाता है। मैंने क्या बोला, अगर तीन में से दो चीज दिया हो तो तीसरा चीज ऑटोमेटिक निकल जाता है। कैसे भैया, वो भी देख लो, याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। क्या है भैया, मत दिमाग लगाओ आप सभी, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो चीज दिया हो, दो का मान दिया हो, तो तीसरा मान ऑटोमेटिक निकल जाता है, ये मैंने बोला है। तो
तो कैसे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अगर मान लो ना आप सभी, अगर मान लो ये चार दिया गया है, ठीक है ना, ये तीन दिया गया है, तो मैं बोलूं ये क्या होगा, थोड़ा आप बात बताइए हमें क्या होगा। आप बोलेंगे भैया अगर ये चार दिया है, ये तीन दिया है, आप ये पूछ रहे हैं, और आप हमको ये भी बोल चुके हैं कि अगर दो मान दिया हो तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो चार का स्क्वायर क्या होगा 16, ए का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर क्या होगा, तीन का स्क्वायर क्या होता है वर्ग 9 होता है, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, अब ये 25 किसका वर्ग है आप बताओ, तो आप बोलेंगे ये 5 का है, तो बोल सकते हैं ना इसका मान क्या है 5 है। देखो अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 5 नहीं हुआ, 4 का स्क्वायर 16, उसका 9 25, और 25 किसका है 5 का होता है। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, और मैं बोलता ये निकाल कर बताओ आप सभी, तो आप बोलेंगे भैया बताए हैं अगर दो चीज दिया हो तो ये चीज ऑटोमेटिक निकल जाएगा, भैया बताए हैं ना, तो सी का स्क्वायर क्या है आपका 25 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 9, और इसका मान बताना है आपको, तो जब ये बी प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, बराबर के उधर अगर किसी चीज को लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो ए स्क्वायर का मान 16 बता रहा है, तो ए का मान क्या होगा, आप बोलेंगे भैया ए का मान जो है ना वो 4 होगा, क्लियर, ये चीज पहले आपको क्लियर हुआ ना, इसी के ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक समझना है। अब देखो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में, बेस हिंदी में, हाइपोटेनस इंग्लिश में, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पर, इसको मिटाते हैं, नोट करते रहना आप सभी, ठीक है, इसका डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा साइड में इसको बना दे रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। चलो दिख रहा है ना, अभी तक तो आप सभी को दिख रहा होगा, अगर मान लो ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है भैया, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, ये दिमाग खराब कर दिया है हम, है ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है ना, 11 क्लास के बाद अगर दिमाग में कोई संकोच रह जाए ना तब बोलिएगा। अब देखो अगला स्टेप, इतना तक समझ में तो सभी को आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं जो साइन होता है ना, साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, तो वो भी लिख लेना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये आप सभी नोट कर लेना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ज्यादा याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं ना, ज्यादा याद नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कॉस थीटा, अरे कुछ नहीं है, बच्चा वाला चीज है, आप बोलेंगे भैया बी बाई एच, क्या होता है भैया हिंदी में भी लिख रहे हैं, टेंशन मत लो। अब मैं बोलूं टैन थीटा, टैन क्या है आपका थीटा है, तो उसको क्या बोलेंगे पी बाई बी, तीन याद रखेंगे, बाकी के तीन ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। अब समझो साइन थीटा पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है भाई लंब, लंब बटा कर्ण, यही चीज है। तो साइन थीटा का मान अगर मैं बोलूं आप बताओ वहां से, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भैया आपने अभी बताया इस लंबा वाला लाइन को लंब बोलते हैं, और उधर में जो टेढ़ा वाला लाइन है ना इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 4/5, क्लियर। और इसका ठीक विपरीत, इसका ठीक उल्टा कॉसेक हो जाता है, क्या हो जाता है कॉसेक, तो उल्टा मतलब अरे इसका उल्टा, अगर ये p by h है तो कॉसेक क्या होगा h by p, यही होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है भैया, अरे b by h का मान, b by h का मतलब क्या हुआ भैया, b का मतलब आधार और h का मतलब भैया कर्ण,
और भैया इसका उल्टा क्या होगा, तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, यानी एच बाई पी, ठीक है। और टैन का उल्टा क्या, टैन पी का मतलब भैया याद हो रहा है, भैया याद हो रहा है, पी का मतलब लंब और बी का मतलब भैया आधार, तो भैया टैन का उल्टा क्या होगा, अरे टैन का उल्टा कॉट थीटा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पी बाई बी। अच्छा इतना देखो पहले आप सभी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया मैंने समझाया, आपको बस तीन याद रखना है, साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। भैया अब आपको पता है क्या हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है भैया इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सवाल, अरे अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर मैं अभी छोड़कर नहीं भाग रहा हूं कि मैं चला गया अब आप सवाल कर लो, अरे मैं अभी आपके साथ हूं, और जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा, क्लास जब लास्ट दिन रहेंगे ना तब बोलना भैया माइंड में संकोच रह गया है, तो बहुत प्यार से एक बार अपने दिल में बोलो भैया समझ में आ रहा है, मतलब इतना ही समझना है जितना भैया समझा रहे हैं, वैसे वैसे सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है। साइन का मतलब क्या बताए, पी बाई एच, कॉसेक का मतलब ये, टैन का मतलब ये, और ये तो साइन 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 का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, पूरा नोट्स बनाए हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखा पाऊं, ये चीज क्लियर हो गया ना। अब देखो यहां पर दो तीन चीज बहुत क्लियर करना है, ये पहले नीचे वाला जो डायग्राम है इसके मुझे हटाने दो, चलो अब देखो एक चीज जलवा यहां पर, ये चीज तो आपको रट्टा मार लेना है, रट्टा मतलब अपने नस में ना इसको बैठा लेना है, बैठा लेना है। भैया याद करना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है, आप इतने दिन से पीछे भाग रहे थे ना, तो ये भी बहुत दूर भाग रहा है, आप जितना देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मैं बोलूंगा ना आप मुझे दो महीना मत देखिए, फिर बोलोगे कौन जीतू भैया, कहां का जीतू भैया, अगर मैं डेली आपके पास आऊंगा तो आप मुझे याद रखोगे, तो डेली देखो याद हो जाएगा, कुछ हाथी घोड़ा चीज नहीं है। अगर मैं अगला स्टेप बताऊं, इसको आप बस अगले रखना, इसको तो दिमाग में बैठा लेना है। अगर मैं बात करूं यहां पर देखना आप सभी, साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक होता है, अब मैं इसको थोड़ा सिद्ध भी करूंगा, देखो ये मैं अपने दिमाग से नहीं बना रहा हूं, सब कुछ बस यहां से निकल कर आएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, सब कुछ यहां से निकल कर आएगा और आप भी भर लोगे अपने दिमाग से, सवाल में इंप्लीमेंट कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। साइन का मतलब वन बाई कॉसेक याद रहेगा, कैसे हुआ भैया वो बताइए ना हमको, पहले आप बात, अच्छा साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है भैया लंब बटा कर्ण, ठीक है वन, कॉसेक का मतलब क्या होता है भैया ठीक इसका उल्टा, उल्टा का मतलब एच बाई पी। अब ये जो तीन गो लाइन है ना, ये पी ऊपर चल जाता है, कहां चल जाता है, यहां ऊपर चल जाएगा, अब ये पी से पी कटा, एस से एस एच कटा, तो क्या होगा, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, वन बाई कॉसेक, इसी का मतलब आप पहले तो ये याद रखना, साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक होता है, और इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाओगे, आप बढ़ाते चले जाओ दिमाग को, थोड़ा सा बढ़ाए, अब ये कॉसेक का गुना साइन से कर दिए, पहले आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये तो लिख ही सकते हैं, साथ में इसको ये भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, कॉसेक थीटा बराबर वन बाई साइन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, अगर कॉसेक को यहां लेकर जाओ गुना ही तो है, और साइन को यहां लेकर आऊं तो कॉसेक बराबर वन बाई साइन भी हो सकता है, अगर इसको भैया और आगे बढ़ाया जाए तो भैया ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर वन, और ये भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर कॉसेक को यहां लेकर जाऊं तो साइन गुना कॉसेक बराबर एक नहीं होगा, बोलेंगे भैया होगा, होगा ना, तो ये सब चीज मैं अपने दिमाग से नहीं कर रहा हूं, बस यहीं से उतर रहा है, यहीं से उतर रहा है, कुछ नहीं है अलग। अगर मैं एक बात बताऊं, एक चीज और देखना है, यहां तक आपको दिख रहा है ना, नोट करते रहना, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक,
अब आप बोलेंगे भैया अब मत समझाओ, अब आप मत समझाओ भैया, अगर एक चीज समझा दिए ना तो इसको भी तोड़ देंगे तीन चीज में। मैं बोलूंगा कैसे तोड़ देंगे, आप बोलेंगे भैया ये sec बराबर 1/cos लिखिए, हम बोलेंगे लिख दिए, भैया आगे एक लाइन टानो और क्या लिख सकते हैं, भैया sec cos को गुना करो, sec थीटा गुना cos थीटा बराबर 1, हम बोलेंगे अरे क्या बात है, यानी आपको एक जलवा दिखाएं, एक जलवा से कितना बन गया 2-3, 1 से 2-3, और ये याद नहीं रखना है, ये तो ऑलरेडी याद रहेगा, साइन बराबर 1/cos a, कैसे भैया कैसे याद रहेगा, अरे भाई मैंने आपको बताया नहीं क्या साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो आप अगले ही पल हमसे बोलेंगे कि भैया इसका कहने का मतलब ये है आप बोलना चाह रहे हैं tan बराबर 1/cot, हम बोलेंगे लवले सुपर एग्जैक्टली बिल्कुल वही बोल रहे हैं, बिल्कुल वही बोल रहे हैं, अगर sin का उल्टा cosec तो sin बराबर 1/cosec, cosec बराबर 1/sin, sin इंटू cosec बराबर 1। अच्छा भैया थोड़ा सिद्ध कर दो हमें, क्या सिद्ध कर दे भाई, भैया थोड़ा इसको सॉल्व करो तो 1 आ रहा है क्या, देखो मुझे थोड़ा sec बराबर क्या होता है, अच्छा sec बराबर h/p, बहुत बढ़िया, cos बराबर क्या होता है भैया b/h, अब ये एच से एच कटा बी से बी कटा, एक नहीं हुआ सब बनेगा, सब बनेगा, आगे देखो जब इतना समझ में आया तो मैं बोल सकता हूं कि आप ये भी बोल सकते हैं cot बराबर 1/tan, और अगला बार बोलेंगे भैया tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, समझ में आया, जितना समझ में समझा रहे हैं बस उतना समझना है, जितना समझा रहे हैं अगर उतना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल चुका हूं मैं ये चैप्टर ऐसे करवा रहा हूं ना कि मेरे सामने क्लास 1 से 2 क्लास का बच्चा बैठा हुआ, उसको सिखा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, यानी उसको पता भी नहीं है आगे क्या होगा, आगे सवाल कैसा बनता है, उसको जितना सिखा रहे बस उतना सीख रहा है, और लास्ट पार्ट में बोलेगा कि भैया आप तो पूरा सिखा दिए, यानी आपको अपने दिमाग में जितना भी सवाल रखे उसको भूल जाओ, वर्तमान में जिए, कितना मैं सिखा रहा हूं, ये समझ में आया, ये सब तो कुछ नहीं है, अगर मैं इसको बोलूं ना इसको याद नहीं करना है काट दो तो आप बोलेंगे काट दो भैया, मैं बोलूंगा क्यों भैया आपने बता दिया है साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, और वही चीज तो आप यहां पर लिख रहे हैं sin बराबर 1/cos, cos बराबर 1/sec, tan बराबर 1/cot, और यही से निकल कर आ रहा है भैया cosec बराबर 1/sin, sin इंटू cosec इंटू 1, sec बराबर 1/cos, sec इंटू cos इक्वल टू 1, और cot बराबर 1/tan, tan इंटू cot इक्वल टू 1। दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहे, मैं बोल रहा हूं अगर आपके घर में ना क्लास 2 में जो भी पढ़ता है उनको बैठाओ और बोलो कंपटीशन है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये याद करने वाला चीज नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन लेकिन 2-3 जो आइडेंटिटी है ना वो आपको याद करना है, याद मतलब इंजेक्शन के तरह ना अपने नस में डाल लीजिए, बहुत बड़ा है क्या भैया, नहीं छोटा सा चीज है याद कर लेंगे भैया, एग्जाम निकालने के लिए जान भी दे सकते हैं आज के डेट में, बस भाई अब 3 चीज याद कर लो, क्या है भैया देखो ये 3 चीज तो मरते दम तक याद रखना है, क्या क्या भैया देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, किसी को दिक्कत क्या, किसी को दिक्कत क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 चीज याद रखना है, ये पहला है। अच्छा भैया एक बात बताइए इसको हम और कुछ कर सकते हैं क्या, अरे आपका जो मन करे, जो मन करे वो करो, क्या मन करता है भैया मेरा देखो एक बार, भैया अगर इतना है
भैया अगर इतना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन है तो भैया हम ये क्यों नहीं लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम बोलेंगे लिख सकते हैं ना, यही चीज तो है साइन स्क्वायर और ये प्लस को बराबर के उधर लेकर गए माइनस हो गया, हम बोलेंगे क्या बात है लवले। अब मैं बोलूंगा भाई और कुछ कर सकते हैं क्या, आप बोलेंगे भैया और कुछ भी कर सकते हैं, मैं बोलूंगा क्या कर सकते हैं तो वो भी बता दो, आप बोलेंगे भैया यहां से ये बना और क्या बनेगा भैया तो वो भी देख लो, अब बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन तो है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाएगा, देख रहे हैं हर एक चीज है भैया, आगे क्या होगा क्वेश्चन कैसे, अरे भूल जाओ ना, जितना सिखा रहे उतना समझ में आ रहा है ना, सवाल बनेगा प्रीवियस ईयर सीजीएल के मेंस तक का क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल दिक्कत मत लो आप सभी। अगला ये पहला आपको अपने नस में बैठाना है, ये पूरा नहीं बस इतना नस में बैठाना है, पूरा नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है इतना से आगे कैसे बढ़ा जाता है, ठीक है, और उसके आगे वाला जो नीचे में लिखे थे वो तो यहीं से निकल कर आ रहा है। अगला दूसरा चीज आप याद रखिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है भाई, मैंने क्या बोला कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है अभी खोज में लगा है, आप उस वैक्सीन को समझकर अपने नस में डाल लीजिए, आपको तीन चीज याद करना है, रटवा रहे रट लेना बस ये चीज, वन प्लस टेन आइडेंटिटी है, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, सवाल में दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं भाई इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या, आप बोलेंगे अरे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भैया, ये टेन को बराबर के उधर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, कैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा भैया। अगर मैं बात करूं ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, और ये बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वही तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यही लिखते हैं ना, दिखाई दे रहा है कुछ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे भैया एक काम करते हैं, जो आप बोल रहे हैं ना वो हम सभी को समझ में आ गया है, आप एक काम करिए, आप बोलना चाह रहे हैं भैया सेक, ध्यान से सेक प्लस टेन उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर वन, भैया अब क्लियर हुआ है, अब जाकर क्लियर हुआ है, अच्छा तो दो आपको याद हो गया, तीसरा आइडेंटिटी क्या है वो भी आप देख लो भाई, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तीसरा आप मान लो ये वाला वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये आप तो यहां से भी आप सभी सेम कर सकते हैं, वही चीज है देखो ऊपर वाला तो वैसे ही आगे बढ़ेगा, फिर टूटेगा इस फॉर्म में फिर टूटेगा उस फॉर्म में, एक ही चीज है कि नहीं है, कुछ अलग है बिल्कुल अलग नहीं है भैया, इसका मतलब भैया हमको ट्रिगो में जहां तक आपने बताया है हमको पहला चीज ये सीखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरा चीज भैया साइन का पी बाई एच कॉस का बी बाई एच टेन का बी बाई पी, ये दूसरा चीज याद करना है, इसके पहले जो नीचे दिखाए थे वो याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक तो साइन बराबर वन बाई कॉसेक उससे टूट रहा है, सेम चीज ये चीज याद हो गया। अब एक चीज आपको और दिखाऊंगा आज की क्लास में, बस थोड़ा थोड़ा सीखना है, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सीखना है। अगला एक चीज आप और याद रखना, यहां पर जितने भी मेरे भाई बहन है कॉस थीटा बराबर कॉट बाई कॉसेक थीटा होता है,
आप याद कर लो या फिर कुछ भी कर लो, एक ही चीज है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। कैसे भैया ये हुआ? अरे भाई cos थीटा बराबर क्या होता है? भैया cos थीटा बराबर होता है b बाई h, आधार बटा कर। तो हमें आधार बटा कर होना चाहिए, लेकिन भैया cot बटा cosec दिया है। अच्छा cot का देख लो मान क्या है, p बाई b यानी इसका उल्टा, आधार बटा लंब। cosec क्या होता है भाई? h पाई b, एच बाई पी, यानी इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये पी से पी कटा, बचा क्या? बी बाई एच ही तो बटा, बी बाई एच ही ना बचा। तो बोल सकते हैं ना कॉस थीटा बराबर कॉट बाई कॉसेक थीटा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कॉस थीटा बराबर कॉट बाई कॉसेक थीटा। भैया इसको और तोड़ सकते हैं क्या? अरे तोड़ो तो, कॉसेक थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, ये भी बोलते हैं। सिंपल चीज है, कुछ दिक्कत? अब एक चीज और आता है, बहुत कुछ है आपको, बस जितना समझा रहे हैं उतना समझिए। टेन थीटा बाई साइन कॉस, ये सेम उसी चीज में है, कुछ नहीं है। तो दो चीज याद रखिएगा, कॉस बाई कॉट बाई कॉसेक, टेन बाई साइन बाई कॉस, ये बन कैसे रहा है भैया? कुछ नहीं, बस ये चार्ट याद रखना है और कुछ नहीं। तो जो बेसिक चीज था मैंने आज आपको अपनी क्लास में बताया है, इतना समझ में आया? कल के क्लास में क्या कराऊंगा याद रखना, ये मैं मिटा दे रहा हूं, नोट्स बनाते रहना। कल के क्लास में क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। कल के क्लास में ना जो आप याद करते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मान क्या होगा भैया? मान कैसे याद रखें? cosec, tan, cosec, sin, इसका मान कैसे याद रखें? अरे कल का इंतजार करिए, कल का इंतजार करिए, लाजवाब वीडियो देंगे। आप बोलेंगे भैया याद नहीं करना पड़ रहा है, याद हो गया भैया। बस मोटो ये है ना, मैं मानकर चल रहा हूं कि 1 से 2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मेरे पास बैठा, उसको सिखा रहा हूं। तो पहला क्लास है, बस शेयर कर देना वीडियो को और ज्यादा मत सोचो। अगर 1 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसको फ्यूचर का सवाल क्या आने वाला नहीं पता है, उसको बस पता है अभी भैया जो सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको बहुत पानी की तरह समझ में आ रहा है। 11 क्लास के बाद या 10 क्लास के बाद वो बच्चा बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री सीख गए, तो आप भी बोलोगे सीख गए। 11 क्लास में बोलिएगा भैया दिमाग में कोई डाउट रह गया है, ठीक है? वीडियो लाइक कर देना, और वीडियो भैया कितने बजे मिलेगा वो भी थोड़ा बता दो। शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिलेगा, कितने बजे? शाम को 4 बजे, ठीक है? और रात को 11:30 बजे, कितने बजे? 11:30 बजे वाला क्लास भी चालू हो गया आप सभी का, ठीक है? थम्स अप लाइक कर देना यार, और शेयर मस्ट है। चलिए।